हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 7 एकाकी व्यापार। इस चैप्टर में हमने आपको अर्थ परिभाषा एकाकी व्यापार की, एकाकी व्यापार के उदाहरण तथा एकाकी व्यापार पर वैधानिक प्रतिबंध के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको आज एकाकी व्यापार के लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो एकाकी व्यापार के कौन कौन से लाभ हैं देखिए। पहला है सरल स्थापना। एकाकी व्यापार की स्थापना करना सरल होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यवसायियों को छोड़कर जिनके लिए सरकार द्वारा लाइसेंस लेना अनिवार्य है बिना किसी वैधानिक औपचारिकता के या व्यापार प्रारंभ कर सकता है। दूसरा आपका है मितव्ययिता। तो वैधानिक औपचारिक से मुक्त होने के कारण एकाकी व्यापार की स्थापना में बहुत कम खर्च होता है। इसका संचालन व प्रबंध का कार्य एकाकी व्यापारी के हाथ में होने के कारण धन का दुरुपयोग भी नहीं होता है। तीसरा है शीघ्र निर्णय। तो एकाकी व्यापारी अपने व्यवसाय का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अतः उसे किसी कार्य के संबंध में निर्णय लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के से परामर्श लेने की या विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह संकट या सुअवसर आने पर महत्वपूर्ण बातों का शीघ्र निर्णय करके आवश्यक कार्य कर सकता है। चौथा आपका है गोपनीयता। एकाकी व्यापार में सभी सूचनाओं की जानकारी केवल एक व्यापारी के स्वामी को होती है, एक यानी कि व्यापारी के स्वामी को ही होती हैं तथा वह अपने निर्णयों को वास्तविक रूप देने तक गोपनीय रख सकता है। परिणाम स्वरूप प्रतियोगियों व अन्य व्यक्तियों को इसकी रणनीतियों के बारे में भी पता नहीं चल पाता है, जिससे व्यवसाय की गोपनीयता का लाभ मिलता है। तो ग्राहकों से, पांचवा पॉइंट है ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क। व्यापार का क्षेत्र सीमित होने के कारण एकाकी व्यापारी स्वयं अपने ग्राहकों के संपर्क में आकर ऐसी जान पहचान उत्पन्न कर सकता है जिससे वे सदैव उसकी ओर आकर्षित रहें। सीधा संपर्क होने से वह ग्राहकों की शिकायतों व सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर तथा उनकी रुचि व मांग के अनुसार ठीक तरह से अध्ययन करके व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये जो थे एकाकी व्यापार के लाभ थे।